चिल्लर तक नहीं, एक रुपया नहीं मिल रहा मुझे, एक रुपया। 10 रुपए का नोट मिल जाए ना तो मेरा काम हो जाता। ए पानी दे। अब खांस खांस करके यहीं जान मत दे देना, जलाने के पैसे नहीं है मेरे पास, जा करके सरकारी अस्पताल से दवाई ले लो, वो तुम्हें मिलती है। काश मेरी दवा भी मुफ्त में मिलती। ये तू फजूल की बकवास बंद कर दे, ये मुफ्त में तुझे सांस लेने के लिए मिल रही ना वही लेते रहे, और हम सबका गला घोटने की तैयारी कर। अरे वो तो बिहार ने आकर बिजली का बिल और टेलीफोन का बिल भर दिया। यहाँ यहाँ आया था, किसने मुझे बताया क्यों नहीं? कौन? वो क्या वो? आरुषि को पता चला कि फोन कट गया है तो वो। मैंने मना किया था ना कि वो लड़का इस घर में नहीं आना चाहिए, फिर घर के अंदर कैसे घुसा वो? बोल घर जाओ तो वो और उसके परिवार मेरा अनादर करने में लगे रहते हैं। क्या आदर करने के लायक है? क्या कहना चाहते हैं? नहीं बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? शांत हो जाइए, आरुषि के ससुराल वालों ने उसे स्वीकार कर लिया है, ये खुशखबरी देने आए थे दोनों। क्या? आरुषि के ससुराल वालों ने उसे स्वीकार कर लिया? अरे वाह 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 वाह, स्वीकार कर लिया। अरे तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये तो बहुत अच्छी बात है, दामाद जी ने हमारी मदद की, इसका मतलब उन्होंने हमारी मदद करना स्वीकार कर लिया, तो मैं थोड़ी सी और मदद ले आता हूँ। रुक रुक रुक, तू बिल्कुल आरुषि के ससुराल में नहीं जाएगा, हाथ जोड़ता हूँ मैं तेरे। नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों नहीं जाऊंगा? वहां मेरी बेटी ससुराल में बैठ करके मौज करे और यहाँ मायके वाले सड़े। बेटी नौकरी करके पैसे ना दे, दमाद से पैसे आप लोग ना लेने दे, तो क्या मायके वाले भूखे प्यासे मर जाए? ना 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 ना, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए, चाहे पैसे अब आरुषि दे या दमाद जी। बस तो रुक रुक रुक, जब तुझे पैसे चाहिए ना ये ले पैसे, लेकिन आरुषि के ससुराल बिल्कुल मत जाना। बाबूजी आप भी कैसी बातें करते हैं, ये पैसे तो आज ही खर्च हो जाएंगे, कल कौन देगा? मैं दूंगा बेटा मैं, जब बेटे को घर की कुछ पड़ी ही नहीं है तो बूढ़े बाप के ही मत्थे आएगी ना सारी जिम्मेदारी, मैं दूंगा। बाबूजी एक बात कहूं, आजकल ना आप बहुत समझदारी की बात करने लगे। राधा नाचेगी कृष्ण के साथ। हाँ बेटा समझ गया हूं मैं कि दीवार पे सर फोड़ने से कुछ फायदा नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।